1 उसकी कोरोलरी है, उसमें दिया था आपकी लाइंस पैरेलल है, यहाँ दिया है लाइंस पैरेलल नहीं है, ये बोल रहा है कि रेशियोज इक्वल है, इफ द रेशियोज आर इक्वल वी से द लाइंस आर पैरेलल, उल्टा है यहाँ पे, डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले वाले केस में आपको दिया है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, ए बी सी डी ई, आपको गिवन था डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर लाइन पैरेलल है आपने प्रूव किया रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम आपकी 6.1 है, और 6.2 बोलता है रेशियोज इक्वल दिया हुआ है उसने, ये यहाँ ये गिवन था, ये टू प्रूव था। अब इस केस में ये उल्टा है, गिवन क्या है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, गिवन है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में, है ना, दिस इज द कोरोलरी। सो इसका प्रूफ के लिए बहुत सिंपल है ये, हम लेट अस अज्यूम, मैं वापस इरेज कर रही हूँ, उसी डायग्राम पे जाते हैं, लेट अस अज्यूम डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये अज्यूम कर लो, डी ई नॉट पैरेलल, अगर देखो बेटा डी ई पैरेलल नहीं है तो देयर विल बी सम लाइन डी ई डैश विच विल बी पैरेलल टू बी सी, देन ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, हमने अज्यूम कर लिया डी ई इज नॉट पैरेलल, तो ऐसी कोई तो लाइन होगी ना जो डी से पास होती है विच विल बी पैरेलल टू बी सी, वी हैव ड्रॉन दैट लाइन, दिस इज जस्ट अजम्पशन दैट डी ई पैरेलल नहीं है, तो हमने एक और लाइन बनाया डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी, इज दैट पॉइंट क्लियर, ओके। देन अभी अगर हम बीपीटी से जाएं, बीपीटी थ्योरम से जाओगे एंड दिस लाइन इज पैरेलल, तो इट मींस ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी आएगा ना, बिकॉज जो लाइन पैरेलल होती है वहीं से रेशियो इक्वल आता है, मेरी लाइन डी ई डैश पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला रेशियो इसके इक्वल हुआ ए ई डैश अपॉन ई डैश, क्योंकि जो लाइन पैरेलल होगी वो इक्वल होगा, ठीक है। बट उसने बोला क्या है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है, उसने बोला है हमको, ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, क्लियर है। देखो बेटा हर्ष, तो देखो क्या बोल रहा है वो, ए डी अपॉन डी बी ये उसने गिवन है पहले वाले का प्रूफ, ठीक है। हम अब लेकिन हमने अज्यूम किया दिस लाइन इज नॉट पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो वी हैव मेड अ लाइन विच इज पैरेलल। अगर आप दो मिनट के लिए क्वेश्चन को भूल जाओ, दिस इज द शेप ए बी सी एंड वी हैव मेड अ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, then from this triangle we will get AD upon DB equal to AE dash upon E dash C, ये वाला point समझ में आ रहा है अब, अगर BPT हमने इसमें लगाया तो that is what we have written, है ना, so we have made a line DE dash parallel to BC and according to that AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C। अब इन दोनों को देखो, ये हमारा BPT से आया और ये given है, दोनों का left hand side same है, it means both of their right hand side should be same, it means AE dash upon E dash C is should be equal to AE upon EC होना चाहिए ना, ये वाला part equal होना चाहिए फिर तो right side, right। अब एक line है आपके पास AC, you have a point E here, E dash here, और हम बोल रहे हैं ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, अगर आप ऐसा बात कर रहे हो इट मींस ई एंड ई डैश शुड कोइंसाइड, ई एंड ई डैश शुड कोइंसाइड, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है उस पर दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है ई डैश और ई,
और आप बोलते हो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे, एक ही जगह लाई करेंगे। किसी को डाउट है? समझ में आ गया सबको? आगे चलें फिर। ओके, नाउ विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स के ये जो हमारी बीपीटी थ्योरम है हाउ टू अप्लाई दोज थ्योरम्स। नाउ इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी आर डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड डी इज पैरेलल टू बी सी, आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी। आपका प्रूफ में क्या होता है? दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, तो आपको मिलता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कहाँ से आया? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये रिजल्ट ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट तो, है ना? ये तो बीपीटी से आ गया। लेकिन देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें ए डी तो चाहिए लेकिन यहाँ क्या चाहिए? ए बी चाहिए। हमारे पास क्या है? डी बी है। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको प्रिजर्व करनी है ना उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। जैसे मुझे ए डी और ए ई प्रिजर्व करना है, मुझे सेम चाहिए जो इसमें दिया है, तो क्या करो दोनों का रेसिप्रोकल लिख लो। सबसे पहले रेसिप्रोकेट बोथ ऑफ देम। ये ध्यान से देखो रिजल्ट्स, दोनों का रेसिप्रोकल कर लो एंड देन ऐड वन टू बोथ ऑफ देम। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मैंने प्लस वन कर दिया दोनों तरफ, आई कैन ऐड प्लस वन टू बोथ द साइड। ये क्या हो गया? यहाँ ए ई आएगा, सॉरी इट शुड बी ए ई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ प्लस वन कर दिया तो एलसीएम लोगे तो आपको ऊपर मिलेगा ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई ए डी, और राइट हैंड साइड पे मिलेगा ई सी प्लस ए ई डिवाइडेड बाय ए ई। इस पॉइंट में कुछ कन्फ्यूजन है? अनुज क्लियर हो रहा है? ये समझ ले ये चैप्टर सबसे टफ है और इसमें तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है इसकी। तो अगर एक भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, ये ना चैप्टर कम से कम 3 या 4 बार एनसीईआरटी से करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस बाहर से आते ही नहीं है, टेक्स्ट बुक के बाहर सिर्फ एनसीईआरटी आता है। इसलिए एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो जो हमें प्रूफ करना था ना, जो प्रूफ करना था उसमें आपको डिनोमिनेटर चेंज हुआ है और न्यूमरेटर सेम है, तो जो चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है उसको पहले डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो। तो मैंने इन दोनों का रेसिप्रोकल किया है एंड देन आई एडेड प्लस वन। अब अगर डायग्राम में देखो तो व्हाट इज ए डी प्लस डी बी, कितना आएगा ए डी प्लस डी बी? अंकिता बोल फटाफट, ए डी ए बी करेक्ट, ए बी अपॉन ए डी। और नेक्स्ट अंकिता बोलो फटाफट, ई सी प्लस ए ई कितना आएगा? करेक्ट। अब क्या फर्क है इसमें और इसमें? कोई डिफरेंस है? सिर्फ दोनों रेसिप्रोकल उल्टा हुआ हुआ है। वापस रेसिप्रोकल कर दो दोनों को। रेसिप्रोकल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दोनों तरफ करना चाहिए आपको। आ गया जो प्रूफ करना है, दिस इज टू प्रूफ। ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पे जा ही नहीं रहा है तो। स्लाइड ही चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सी द सेकंड एग्जांपल, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। दिस इज अ ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एंड एफ आर एनी टू पैरेलल पॉइंट्स सच दैट EF is parallel to AB. ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट AE upon ED equal to BF upon FC. क्वेश्चन समझ में आया है? AB is parallel to CD. It's a trapezium. We have made EF parallel to AB. देखो, if AB is parallel to CD and EF is parallel to AB,
दिस इम्प्लाइज ई एफ विल, दिस क्या आएगा यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू ए बी आएगा इधर, सॉरी. दिस इम्प्लाइज ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी. इस लाइन में कुछ कन्फ्यूजन है? अगर आपके पास थ्री लाइन्स होते हैं, वन इज पैरेलल टू द सेकेंड वन, सेकेंड इज पैरेलल टू द थर्ड वन, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में पैरेलल होंगे. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, दिस इज पैरेलल टू दिस वन. इट मीन्स द सेकेंड एंड द थर्ड विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर. क्लियर? ओके, देन विल डू अ कंस्ट्रक्शन. आप इसको ज्वाइन कर दो, ए टू सी को ज्वाइन कर दो. लेट दिस पॉइंट इज जी. अब दो ट्राइंगल्स अलग अलग कंसिडर कर लो. कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी. कंसिडर ट्राइंगल ए डी सी. इन दिस ट्राइंगल ई जी विल बी पैरेलल टू डी सी, है ना? जब पूरा लाइन पैरेलल था डी सी से, इट मीन्स इसका जो पार्ट होगा वो भी पैरेलल होगा. दिस इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी. ये कहाँ से आ गया? बीपीटी थ्योरम से आ गया. ठीक है, ओके. नाउ अभी वापस ए बी सी ट्राइंगल ले लो. नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल ले लो. अब वापस जी एफ विल बी पैरेलल टू ए बी. तो मुझे रेशियो बताओ फटाफट हर्षिता. रेशियो बताओ क्या आएगा? ट्राइंगल को मैं सीधा कर देती हूँ. लेट दिस इज ए बी. ये पॉइंट है आपका सी. ए सी के ऊपर आपका जी एंड हेयर इट इज एफ. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन. तो रेशियो क्या आएगा बीपीटी थ्योरम से? उल्टा बोल रही है ना बेटा, ऊपर से बोलना पड़ेगा पहले, ऊपर से बोलना पड़ेगा. तो जी सी अपॉन ए जी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी. ठीक है, जी सी अपॉन, यहाँ जी सी लिया तो इधर से जी ए, यहाँ से सी एफ लिया तो यहाँ से एफ बी लेना पड़ेगा. ठीक है, दिस विल बी द रेशियो. ठीक है, अब यहाँ देखो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इसका राइट हैंड साइड ए जी अपॉन जी सी है, यहाँ पे वो उल्टा है. तो इसको रेसिप्रोकल कर दो सेकेंड इक्वेशन को और सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आएगा. इफ़ आई रेसिप्रोकेट इट देन ए जी अपॉन जी सी विल बी इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ. अब दोनों का ये लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया. इट मीन्स ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ. जो आपको यहाँ चाहिए था वो आ गया. ऑर्डर एक्सचेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हमने इसको ऑर्डर को ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए जी अपॉन जी सी है, लेकिन मेरे सेकेंड इक्वेशन में जी सी अपॉन ए जी है, उल्टा है इसका. तो उसको सेम करने के लिए मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया सेकेंड इक्वेशन को. ठीक है, और फिर देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, कट जाएगा. यू विल हैव ए अपॉन ई डी इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ. यही प्रूव करना था आपको. फिर चाहिए तो ऐसे ही लिख दो, जो ऑर्डर इसने दिया है वही ऑर्डर में भी लिख सकते हो. ओके, कॉपी कर लो फटाफट से. अब एक्सरसाइज में से देखो, ये बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, फाइंड ई सी इन. फर्स्ट केस में ई सी निकालना है, कितना आएगा डायरेक्ट देख के मुझे बता सकते हो. क्विक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए डी अपॉन, ये लाइन पैरेलल है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, देयरफॉर ए डी अपॉन बी डी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना? तो इधर वन पॉइंट रेशियो डाल दो, करेक्ट है, टू, 1.5 बाई थ्री, हियर इट इज़ वन अपॉन ई सी. तो अगर ये
डबल हो रहा है तो ये भी डबल होना चाहिए. दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू टू. सेम ये वाला भी करो. अभी आपको ए डी निकालने बोला है. मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इतना कितना आएगा? ये 3 आएगा, 1/3. तो ए डी 3 थोड़ी आएगा, 2.4. करेक्ट हर्षिता, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, कोई बात नहीं. अंकिता हो गया? चलो नेक्स्ट पे चलो. अभी फिर ये क्वेश्चन देखो. डायग्राम बना लो सबसे पहले. ओरल तो नहीं होगा ये क्वेश्चन. ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर एंड यू हैव ई एफ. ई एंड एफ आर द पॉइंट्स सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है. नाउ पी ई 3.9, EQ 3, PF 3.6, FR 2.4. You have to show whether the line is parallel or not. तो ये converse of BPT है. आप ratios निकालो. अगर ratios equal होंगे then lines will be parallel. ठीक है? आप ratio निकालो पहले. PE upon EQ कितना आएगा? 3.9/3, 1.3. इसका रेशियो निकाल लो. पी एफ अपॉन एफ आर 3.6, 2.4. कितना रेशियो आएगा? अगर मैं पॉइंट पॉइंट कट कर दूं 12 के टेबल में, 3/2. यहाँ रेशियो है 1.3, इसका रेशियो आएगा 1.5. 3/2 मीन्स 1.5. आर दे इक्वल? सो दिस इम्प्लाइज ई एफ इज नॉट पैरल टू क्यू आर. ये कोरोलरी है जो सेकेंड थेरम बताइए 6.2. अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन्स आर पैरल. इफ द रेशियोज आर नॉट इक्वल द लाइन्स आर नॉट पैरल. ठीक है? चलो अभी सेकेंड वाला ट्राई करो फटाफट से और मुझे आंसर बताओ. करेक्ट. करेक्ट है. देखो अंकिता कैसे हुआ ये. देखने में तो रेशियो लग रहा है इक्वल नहीं है ना. यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है. इसको पूरे को 2-2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. ये भी 8/9 और ये भी 8/9. अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 डाल दो. 40/45 दोनों को 5 के टेबल से कट कर दो. ठीक है? सो लाइंस आर पैरेलल. थर्ड वन कर लोगे बाद में. लेकिन देखो अभी क्या डिफरेंस है. यहां पे फुल लाइन दिया हुआ है. पी क्यू पूरा पी क्यू दिया हुआ है, पूरा पी आर दिया हुआ है, पी दिया है. यू नीड टू कैलकुलेट ई क्यू निकालना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे यू विल गेट ई क्यू. वो निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं करना है रेशियो. कर लेना ये वाला पार्ट. ठीक है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई करोगे? एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी. सजेस्ट करो मुझे. ट्राई करो फिर सजेस्ट करो क्या करेंगे. अभी ये वाला लाइन है एम एल इज पैरेलल टू बी सी है आपका. कर रहे हो ट्राई?
देखो ये वाला स्टेप, पहले मैंने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लिया, इन दिस ट्राइंगल एम एल इज पैरल टू बी सी, देयर फोर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी आएगा, ठीक है। क्या आएगा? बीपीडी से। हाँ बीपीडी से, ठीक है। अब यहीं पे अब तुम दूसरा ट्राइंगल ले लो। अब मैं ये वाला ट्राइंगल अगर ले लूँ, ये वाला, ये नीचे वाला, तो उसमें क्या आएगा? इन ट्राइंगल ए डी सी, वापस से ए एन अपॉन एन डी कितना आएगा? ए एल अपॉन एल सी आएगा फिर से, है ना। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। यहाँ तक ऐसे ही लिखना है बेटा। यहाँ पे बी पी टी, यहाँ बस यहाँ बी पी टी, बी पी टी लिखो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, कुछ नहीं लिखना होता है, बस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू डायरेक्ट यू राइट डाउन द रिजल्ट। इट्स क्लियर इफ द वन साइड इज इक्वल द अदर हैज टू बी इक्वल। ये तो हो गया, लेकिन मुझे प्रूफ कुछ और करना है। एग्जाम्पल के जैसे मुझे ए एम तो चाहिए लेकिन एम बी नहीं चाहिए, एम बी की जगह मुझे ए बी चाहिए फुल। सो वॉट आई शुड डू? पहले रेसिप्रोकल करो, ए एम न्यूमरेटर है ना, वो सेम चाहिए, पहले रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने के बाद प्लस वन, क्योंकि जो चीज़ आपको प्रिजर्व सेम टू सेम चाहिए जैसा इसमें दिया है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एंड देन डू प्लस वन प्लस वन। सो इट्स ए एम प्लस एम बी डिवाइडेड बाय ए बी एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए एन। तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल करो फिर से, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको। फिर से यहाँ रेसिप्रोकल कर दो, सो इट्स ए बी अपॉन, ये क्या मैंने दो बार लिख दिया, इट्स ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपके स्क्रीन पे ना राइट, ओके, सी द नेक्स्ट वन। डी ई पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए ई, दो ट्राइंगल पहले अलग अलग बना लो, बिकॉज इसको देख के कंफ्यूजन हो सकता है। ए बी एंड पहले ई वाला बना लो, ए के पैरेलल क्या है आपका? डी एफ। सो यहाँ पे सिर्फ डी एफ बनाओ, ठीक है। फिर दूसरा फिर से बनाओ, एक और ट्राइंगल यहाँ ए बी एंड अब की बार सी। ए सी के पैरेलल क्या है? डी ई। सो फ्रॉम हेयर यू ड्रॉ ओनली डी ई। तो अब आप फटाफट कर लोगे, अगर मैंने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, डी एफ पैरेलल टू ए ई, यहाँ पे डी ई पैरेलल टू ए सी, कर दोगे ना अभी? दोनों में फटाफट से बीपी लगाओ दोनों ट्राइंगल्स में, एंड एक साइड दोनों का इक्वल आएगा, रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। करो फटाफट से, कर लोगे। तो ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, देयर फोर बी डी, ए बी से ले लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, मैंने ए डी लिया तो इधर से क्या आएगा? पहले ई एफ अपॉन बी एफ,
दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन, नीचे से लिया तो नीचे से आएगा, ऊपर से लोगे तो ऊपर से जाएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेम वे सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करो. देखोगे तो आपको मिलेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन बी ई मिला ना दूसरे साइड से, है ना. ये दोनों का सेम साइड है तो ये आ गया आपका ई एफ अपॉन बी एफ इक्वल टू ई सी अपॉन बी ई मिला. लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. दिस इज हैंस प्रूफ्ड. चलो नेक्स्ट, सेम टाइप. अगर आप एक ही ट्राइंगल में कर सकते हो तो एक ही ट्राइंगल में कर लो, नहीं तो चाहिए तो ट्राइंगल सेपरेट बना लो. डी ई पैरल टू ओ क्यू, डी ई पैरल टू ओ क्यू अगर इसी में करना है तो इसी में कर लो, नहीं तो फिर वापस ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बना लो. अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं है तो वहीं कर लो. पी क्यू ओ एंड दिस इज ई डी. ठीक है, ठीक है. अभी ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल डी एफ पैरल टू ओ आर है, तो यहाँ भी एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो ऐसे. समझ में आ रहा है ना ये वाला? अगर आपको सेम ट्राइंगल में क्लियर होता है तो सेम ट्राइंगल में करो, अदरवाइज जो लाइन पैरल दिया हुआ सिर्फ वो ड्रॉ करो, दूसरा वाला ड्रॉ ही मत करो. ठीक है, ये बनने के बाद फिर तीसरा ट्राइंगल, बिकॉज अभी मुझे ई एफ पैरल टू क्यू आर प्रूफ करना है, तो दिस टाइम इट शुड बी पी क्यू आर, उसमें सिर्फ मैं ई एफ बनाऊंगी, ई एफ और कुछ नहीं बना रही हूँ. तो इसका रिजल्ट निकालो, इसका रिजल्ट निकालो, ऑटोमेटिकली आप बताते जाओगे मुझे, फटाफट करो. देखो ट्राई करके. ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल देखो. इन ट्राइंगल पी क्यू ओ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ आएगा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली इन ट्राइंगल पी ओ आर पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा. सेकेंड इक्वेशन, इसका देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने कॉमन वाला पार्ट निकाल दिया दोनों में से. अब ये देखो, ये दिस इज कन्वर्स ऑफ बी पी टी थियरम. अब ये वाला ट्राइंगल देखो, जो मैंने थर्ड ट्राइंगल बनाया, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया ना. तो अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइन शुड बी पैरल, ई एफ शुड बी पैरल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थियरम. ठीक अंकिता, समझ में आ रहा है? और हर्षिता, स्टार्टिंग एक्सरसाइज इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हो जाएगा तो बोलो कॉपी करके फटाफट. सेम टाइप ट्राइंगल सेपरेट करके बताऊं या उसी ट्राइंगल में कर लोगे? इसमें तो ट्राइंगल देखो ऑलरेडी सेपरेटेड ही हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू. तो जब ए बी पैरेलल टू पी क्यू बोलेगा वो, तो आप वही वाला ट्राइंगल लो जिसमें ए बी है. यही वाला ट्राइंगल लो खाली, ये वाला. करेक्ट, ये एक ट्राइंगल ये आ जाएगा इधर वाला, है ना. ए पी क्यू ओ एक ट्राइंगल ले लो, उसमें आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू मिलेगा, वहाँ लगाओ. फिर दूसरा साइड वाला ट्राइंगल इधर वाला पी ओ आर, ये वाला ले लो.
ठीक है, और फिर थर्ड वाला ले लो पी क्यू आर, तीसरा ये वाला पी क्यू आर नहीं है, ओ क्यू आर, ठीक है। कर लोगे? बता दो, सॉल्व करके मुझे बताओ। अगर कर लोगे तो मैं छोड़ दूं, नहीं आएगा तो कल पूछ लेना। करके देख लेना ट्राई, ठीक है? स्पेस छोड़ दो अभी इस क्वेश्चन के लिए, कर लोगे आप, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ मैं, वो कर लेना, स्पेस छोड़ दो। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। आपके पास एक ट्राइंगल है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। आपके पास है ट्राइंगल ए बी सी, वी हैव अ मिड पॉइंट डी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है? इसको पैरेलल टू अनदर साइड, अगर मैं यहाँ से बी सी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ, देन इट विल इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट से अनदर पॉइंट। आपको इसमें गिवन क्या है? गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज गिवन टू अस। उसने बोला पहले ए बी का एक मिड पॉइंट लिया, फिर वहां से डी ई लाइन पैरेलल ड्रॉ किया बी सी के। आपको यहाँ प्रूव करने के लिए बोल रहा है वो, टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन समझ में आ रहा है थ्योरम? पहले एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पहले मिड पॉइंट बना लिया, ट्राइंगल लिया उसमें मिड पॉइंट बना लिया, फिर वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। तो हमें प्रूव करना है जहां वो इंटरसेक्ट करेगा नेक्स्ट पे, दैट पॉइंट इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है? अब इसका प्रूफ देखो। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना? ये तो गिवन है आपको। दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है? ये तो बीपी है ना, ये तो बीपीटी से आ गया। अब देखो ए डी एंड डी बी, डी इज द मिड पॉइंट गिवन है आपको, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज ए डी इक्वल टू डी बी आएगा ना, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा ना अगर वो मिड पॉइंट है तो, है ना? तो आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा? वन आएगा, इक्वल है तो वन होगा रेशियो, इट मीन्स वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी आएगा। क्लियर है ये? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान लो, लेट अस से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ ऑफ दे आर 3-3 सेंटीमीटर, अगर इसे मिड पॉइंट होना है तो वैल्यू विल बी सेम। अगर दोनों 3-3 सेंटीमीटर है तो आप उसको कट करोगे तो यू विल गेट वन, ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ईसी को इधर, ईसी इज इक्वल टू ए ई आ गया। क्या पता चला इससे? ई इज द मिड पॉइंट। समझ में आया? इजी है बहुत, सिर्फ आपको ट्रिक पता, स्टार्टिंग पता होना चाहिए कैसे स्टार्ट करना, अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन समझ